हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं आपका 10th क्लास की साइंस का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हम प्रीवियस वीडियो में मेटल्स के और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं और उनमें जो एक्सेप्शंस हैं उनको भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो काफी नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि कोई सब्सटेंस जो है वो मेटेलिक होगा या नॉन मेटेलिक होगा ड्यू टू सम एक्सेप्शंस। ठीक है, तो इस वजह से हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करते हैं। और वैसे भी हमारे लिए जब हम स्टडी करना शुरू कर ही देते हैं तो ये जानना जरूरी है कि कोई सब्सटेंस फिजिकली कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा और केमिकली कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विद एयर। देखिए एयर जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, जैसे कि एयर के अंदर जो है 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है, 21% जो है वो ऑक्सीजन गैस है, बट जो नाइट्रोजन गैस है वो है इनर्ट। इनर्ट इन द सेंस कि वो जल्दी से मेटल्स के साथ या नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो हम यहां पे डिस्कस करेंगे सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में कि मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन विद एयर जो है वो हमारी हेडिंग जो है वो हम इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन स्पेशली। ये हमारा हो गया स्पेशल केस। ठीक है, तो जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात करते हैं तो अलग अलग मेटल्स जो हैं वो वैलेंसी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कॉपर की, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका बना लेगा CuO। ठीक है, यहां पे 2 है बैलेंस करने के लिए, ये भी 2 और ये भी 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम जो है 4 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ये आपका बन जाएगा 2Al2O3। ये है आपके मेटल्स के ऑक्साइड्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें आयरन की, Fe+O2, ये आपका बन जाता है Fe2O3, और ये भी बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जैसे एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया था। तो यहाँ पे आपका लग जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा 4 और ये 2। ठीक है, तो ये जो है आयरन के रिएक्ट करने का पैटर्न है कि आयरन जो है वो कैसे रिएक्ट करता है। इस तरीके से सोडियम की अगर बात करें तो Na+O2, ये आपका बन जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अलग अलग मेटल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट हो जाएगा 4। अब हम ये जो प्रोडक्ट बने इनको हम कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। क्या कहेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, या फिर इनको सिंपली हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स, मेटलिक ऑक्साइड आएगा, ये होगा आपका मेटलिक ऑक्साइड। ये जो मेटलिक ऑक्साइड्स हैं, अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो ये जो मेटलिक ऑक्साइड्स हैं ये नेचर में होते हैं आपके बेसिक, ठीक है, ज्यादातर जो है वो क्या होंगे आपके बेसिक होंगे नेचर में। ठीक है, ये जो है हमने पिछली यूनिट में भी पढ़ा था कि मेटल्स के जो ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, बेसिक कैसे होते हैं कि जब इनकी हमें एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाएं तो साल्ट बनेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी आपकी। ठीक है, बट कुछ जो है, सम ऑफ देम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। नेचर में उनमें से कुछ ऐसे हैं
जितने भी ऑक्साइड हम बात करते हैं मेटल्स के, उसमें से कुछ देखिए ज्यादातर तो कैसे हैं ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक है, बट कुछ पर्टिकुलर ऐसे हैं जो कि एम्फोटेरिक है। अब देखिए एम्फोटेरिक का क्या मतलब है, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पर्टिकुलर कंडीशंस में एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं, और अगर हम कंडीशन चेंज कर दें जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, या फिर अगर हम बात करें उनकी फिजिकल स्टेट की, अगर हम बात करें या फिर केमिकल रिएक्शन की बात करें कि अगर इनको एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो ये बेस की तरह बिहेव करेंगे, अगर इनको बेस के साथ रिएक्शन हम करवाएं तो ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस या एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो एसिड एज वेल एज बेस की तरह बिहेव कर सकते हो उनको हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का, Al2O3 ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया प्लस 6HCl, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये देखिए बेस है और ये एसिड है, तो ये आपका क्या बनेगा 2AlCl3 प्लस 3H2O। देखिए बेस प्लस एसिड क्या बना, साल्ट प्लस वाटर, तो इसमें जो Al2 है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है आपका, सॉरी बेस की तरह, ये आपका एसिड। अब देखिए यही Al2O3 हम लें और इसकी रिएक्शन करवाएं NaOH के साथ, मतलब कि ये अब की बार क्या है बेस के साथ, तो अब इस केस में ये बिहेव करेगा एज एन एसिड, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा 2NaAlO2, ये सोडियम एल्यूमिनेट कहलाता है जो कि ये साल्ट है ये भी, प्लस H2O। अब देखिए हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे तो बेस की तरह बिहेव कर रहा था और यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि Al2O3 जो है आपका वो क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड्स जो है हमारे वो वाटर के अंदर सोल्यूबल, मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, मतलब कि ज्यादातर जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, बट उनमें से कुछ ऐसे हैं जो रिएक्ट करते हैं, सम मे रिएक्ट विद वाटर, उनमें से कुछ जो है वो वाटर के साथ क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड या फिर बेस, क्या बनाने के लिए, बेस प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए साफ बात है कि मेटल के ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक है नेचर में, तो जब वाटर के साथ ही ये रिएक्ट करेंगे तो बेस को ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक रिएक्शन देख लेते हैं इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए। Na2 हमने पढ़ा, Na2O मेटल है, मेटल का ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं H2O के साथ, ये आपका बन जाएगा 2NaOH। ठीक है, ये क्या है आपका सोडियम का ऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्शन, ये क्या बन गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमने पढ़ा था पिछले यूनिट में कि ये कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये वाटर के साथ हम इस ये किसकी तरह बिहेव करेगा आपका, बेस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसके अंदर जो है OH आयंस है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हम डिस्कस करते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम आर के लिखते हैं, सॉरी हाईली रिएक्टिव, सोडियम और पोटेशियम जो मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इवन इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अब देखिए कि इनको जो है अगर हमें लैब के अंदर रखना है या जहां पे भी हम इनको स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो या तो हमें इनको केरोसिन के अंदर रखना पड़ेगा,
या फिर पैराफिन वैक्स के अंदर जो है हमें इनको क्या करना पड़ता है, डाल के रखना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा, ये एयर के साथ ही रिएक्ट कर लेंगे, टार्निश हो जाएंगे, येलो कलर इनका हो जाएगा, उनके ऑक्साइड्स जो है वो बना लेंगे। ठीक है, अब समझ में आया आपको। देखिए ज्यादातर मेटल्स, साफ साफ हम बात करते हैं, ज्यादातर मेटल्स जो है वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में। बट सोडियम और पोटेशियम जो है वो इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि वो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेंगे, उनका ऑक्सीडेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इनको अलग से पढ़ा कि इनको स्टोर करने के लिए हमें किसके अंदर डाल के रखना पड़ता है, केरोसिन के अंदर, मतलब कि मिट्टी के तेल के अंदर डाल के रखना पड़ेगा, या फिर पैराफिन वैक्स, व्हाइट कलर का एक लिक्विड होता है, उसके अंदर हम इसको डिप करके रखते हैं ताकि ये एयर के कॉन्टेक्ट में ना आए। ठीक है, उसी सीरीज में हम आगे डिस्कस करते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, ये तीनों भी ऐसे मेटल हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव है, आर लीस्ट रिएक्टिव। देखिए ये क्या पढ़ाई में हमने, हाईली रिएक्टिव, ये क्या है आपके, लीस्ट रिएक्टिव, मतलब कि ये जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग की कंसेप्ट की। प्रोटेक्टिव कवरिंग, अब ये क्या चीज है, मान लीजिए ये आपका एक पीस है, किसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, एल्यूमिनियम का। ठीक है, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगी, Al2O3। Al2O3 की जो लेयर बनी आपकी, ये जो है हार्ड लेयर होगी, इवन हम कहेंगे कि हार्डर देन एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम से ये लेयर जो है वो ज्यादा हार्ड है, और इतनी ज्यादा हार्ड है कि ये लेयर बनने के बाद और ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाती। मतलब ये है कि ये जो प्रोटेक्ट करने वाली लेयर के फॉर्म में जो है, एल्यूमिनियम के बर्तन जो होते हैं हमारे, कंटेनर्स जो है, बाल्टी है या कोई भी बर्तन जो है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है, जो कि फिर बाद में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जो है उसको दोबारा से ऑक्सीडाइज होने से क्या करती है, रोकती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें आयरन की, आयरन के ऊपर भी आयरन के ऑक्साइड की लेयर चढ़ती है, जिसको हम रस्ट के नाम से जानते हैं, बट वो जो रस्ट है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, और वो आसानी से हट जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारा आयरन जो है वो खराब होता चला जाएगा बार बार, एक बार जंग लग जाए तो बार बार जंग लगता रहता है। ठीक है, तो उसकी जो लेयर है वो प्रोटेक्टिंग नहीं होती, जबकि एल्यूमिनियम की जो लेयर है वो हार्ड होती है, वो क्या करती रहेगी, उसको प्रोटेक्ट करती रहेगी। ठीक है, सोडियम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद हम बात करते हैं मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, यहां तक अब तक जो पढ़ा हमने वो था आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद O2, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, आगे जो है जो हमें स्टडी करना है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आया, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।